शरणाय नमः। ॐ लंबोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। नमस्कार सनातनी साधकों और दोस्तों, स्पिरिचुअल इलाहाबादिया चैनल के हमारे इस पोस्ट में आपका स्वागत है। अरुण का सादर अभिवादन स्वीकार करें। इस पोस्ट में आज हम जानेंगे कि विनायक चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा शास्त्रीय विधि से अपने निवास में कैसे स्थापित करें, किस प्रकार की मूर्ति का चयन करें, उनकी पूजा कैसे करें और विसर्जन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। सबसे पहले गणेश प्रतिमा का चयन करते समय ध्यान दें कि मूर्ति मिट्टी से बनी होनी चाहिए, ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से। वो मूर्ति जो आपको प्रिय लग रही है, बाजार में जब आप मूर्तियों को खरीदने के लिए जाएं, तो जो मूर्ति आप पसंद करें तो निर्माता से जरूर पूछ लें कि वो मिट्टी की बनी है या प्लास्टर ऑफ पेरिस से। मिट्टी की मूर्ति ही ले, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है और आसानी से जल में घुल जाती है। वहीं दूसरी ओर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, पानी में आसानी से नहीं घुलती हैं, जिससे आने वाले समय में जल प्रदूषित होता है, जो समाज के वातावरण व समाज के निवासियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। गणेश प्रतिमा को उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिशा को भगवान का स्थान कहा जाता है। गणेश जी का मुख पूरब में या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। प्रतिमा को एक साफ और ऊंचे स्थान पर रखें। पूजा की चौकी या लकड़ी का साफ पट्टा, जिस पर नया कपड़ा बिछा हो, इस काम में आपका सहयोग कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को एक नए या साफ कपड़े से ढक दें। फिर पूजन की सामग्रियों को तैयार करें, जिसमें फूल, धूप, दीपक, मिठाइयाँ, लड्डू और मोदक, नारियल, सुपारी, पान के पत्ते और चंदन शामिल हैं। वैसे अपनी पिछली पोस्ट में हमने आप सबकी सुविधा के लिए पूजा की सभी सामग्रियों का एक विवरण दिया है। आप चाहें तो हमारी पिछली पोस्ट में जाकर उसे सुन लें। गणेश जी की पूजा के दौरान उन्हें भोग में मोदक, लड्डू और दुर्वा चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। दरअसल यह तीनों ही चीज़ें विघ्न विनाशक को बहुत ही प्रिय होती हैं। आइए अब पूजा की शुरुआत करें। पहले गणेश जी का ध्यान। जो भी लोग इस पूजन में शामिल हो रहे हैं, जाहिर है परिवार और निकट के संबंधी ही शामिल होंगे, वो गणेश जी का ध्यान करें और फिर धूप दीप जलाएं। गणेश जी को चंदन और अक्षत अर्पित करें, फिर फूल और दुर्वा घास चढ़ाएं, गणेश जी की आरती करें और अंत में गणेश जी को लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों को गणेश जी का प्रसाद वितरण करें। विनायक चतुर्थी के बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन करना आवश्यक है। मूर्ति विसर्जन के लिए प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदी, तालाब या समुद्र का चयन करें, जो भी आपके निवास स्थान से समीप हो और आपकी सुविधा के अनुरूप हो। विसर्जन से पहले गणेश जी से क्षमा याचना करें कि इस उत्सव के दौरान उनकी पूजा में, उनके सत्कार में अगर परिवार के लोगों से कोई कमी रह गई है तो बप्पा क्षमा करें और उन्हें अगले बार फिर से आने का निवेदन करें। अगर आपके पास प्राकृतिक जल के स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, तो शास्त्रों में इसका भी एक समाधान दिया गया है। आप घर में एक बाल्टी या टब में
मूर्ति विसर्जित कर सकते हैं और बाद में उस जल को जो कि मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है वो जल में घुल जाएगी और उन्हें पौधों में डाल सकें। इस प्रकार अगर आप शास्त्रीय विधि के अनुरूप विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करेंगे और पूजन करेंगे तो गणपति बप्पा निश्चय ही आपके घर धन धान्य के साथ आएंगे, विघ्नों के नाश करने के वाले रूप में आएंगे और आपके आने वाले समय को विघ्नों से दूर करेंगे। ऐसा शास्त्रों का मानना है, उन्हें पढ़ने वाले विद्वानों का मानना है और प्रकांड विद्वानों का मानना है। साधकों और भक्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास, हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो पोस्ट को अपना एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस पोस्ट से सहमत हैं, इसमें दी गई बातों से सहमत हैं, इसमें दी गई विधियों से सहमत हैं तो इस पोस्ट को अपने जैसे समान विचार वाले साधकों के साथ शेयर करें। हम आभारी होंगे। गणपति बप्पा मोरिया।